दोस्तों, लखनऊ को अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 17 रन। मैदान पर मौजूद थे शतकवीर स्टॉइनिस के साथ दीपक हुड्डा। गेंदबाजी से तहलका मचाने को तैयार थे मुस्तफिज और रहमान। फिर हुआ कुछ ऐसा, देख कर उड़ गए पूरे क्रिकेट जगत के होश। जी आपको बता दें, पहली ही गेंद पर मुस्तफिज और रहमान का स्वागत मार्कस स्टॉइनिस ने तारामंडल को छूते हुए एक आसमानी छक्के से कर चेन्नई फैंस में मायूसी पैदा कर दी। तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक और करारा चौका लगाया। तो तीसरी गेंद को उन्होंने एक बार फिर से चौके में तब्दील कर चेन्नई के जबड़े से जीत को लगभग छीन लिया था। और गरीबी में आटा गीला, ये बॉल तो नो बॉल हो गई, जिसके वजह से अब 4 गेंदों पर लखनऊ को जीत के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। और मार्कस स्टॉइनिस ने धोनी के सामने के ही अंदाज में शानदार चौका लगाकर धोनी की टीम को ही पटखनी दे दी। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले को देखने के बाद आपको क्या लगता है, लखनऊ और चेन्नई में कौन बनेगा IPL 2024 का चैंपियन? कमेंट में जरूर बताइए।